कैसे हैं सभी? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत ही अच्छी कर रहे होंगे। एक बार आप लोग बता भी दिया करें कि आप लोग तैयारी किस लेवल पे है, जैसे कि टीम कम्युनिकेट करती है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से या और भी जो प्लेटफॉर्म है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, जहां भी जुड़े हैं, अपनी जो क्वेरीज है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, जो नहीं पूछ रहे हैं वो भी आप लोग पूछा करिए। तो अभी अगर हम देखें कि पिछले दो चैप्टर में एक हमने क्या पढ़ा, प्रतिशत पढ़ा, एक चैप्टर क्या पढ़ा, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा, लाभ एंड हानि पढ़ा, उसी का एक पार्ट हमने डिस्काउंट यानी बट्टा भी पढ़ लिया। अभी उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि अर्थमेटिक का ये बैकबोन जैसे मैंने पहले बोला था, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अब शुरुआत करेंगे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें हम साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट को सबसे पहले कवर करेंगे, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में कैसे पूछता आया है, विभिन्न आयोग UPSSC का जितनी भी परीक्षाएं हुई उसमें कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, या UPSSC हट के अन्य राज्य स्तरीय परीक्षाओं में जैसे आपका यूपी पुलिस बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, UPSI या UPP में कैसे पूछता आ रहा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, ऐसा समझिए कि कोई भी ऐसी परीक्षा नहीं है जहां से इससे एक दो प्रश्न पूछा ना जाए। और अब तो अगर देखा जाए नए ट्रेंड में तो SI और CI दोनों कंबाइन करके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो चाहे राज्य स्तरीय हो, चाहे केंद्र स्तरीय हो, या किसी भी बोर्ड की परीक्षा हो, जहां पे गणित पूछा जाता है, मैथ पूछा जाता है, वहां पे साधारण ब्याज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लीजिए कि ये सारा जो कोर्स है ये हम 10+ कोर्स के अंतर्गत में पढ़ रहे हैं, जो आपका निःशुल्क कराया जा रहा है, कोई फी नहीं ली जा रही है, सारे के सारे वीडियोज आपको कराए जा रहे हैं। अभी आपका पहला बैच लेखपाल का अनाउंस कर दिया गया है, उसी के अंदर का CA चल रही है। अभी करंट में आपका लेखपाल का बैच चल रहा है, प्लस UPSSC लोअर के मेंस को फोकस करके चलाया जा रहा है, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, खासकर रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी को कवर किया जा रहा है इन्हीं सब्जेक्ट में। और लेखपाल का हुआ, लोअर का हुआ, मेंस का, साथ में आपका GS+ चल रहा है, जो आपके PCS की परीक्षाओं में UPSC आयोग के द्वारा पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के डिफरेंट एग्जाम को कवर किया जा रहा है। और ये सारा का सारा 10+ कोर्स के अंतर्गत है, जिसमें आपके सारे वीडियोस फ्री हैं। अगर आपको टीम के द्वारा जो PDF दी जाती हैं, जैसे कि आपका प्रैक्टिस सेट हुआ, मैथ का हुआ, रीजनिंग का हुआ, या आपका हिंदी का हुआ, उस पर क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं, या आपका GS+ का हुआ PCS वगैरह परीक्षा के लिए, है ना, या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट जैसे ग्रामीण परिवेश हुआ, इन सभी के PDF के लिए जो टीम के द्वारा दिया जाता है, उसके लिए आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। वो उसमें क्या है, 3 महीने तक टीम के द्वारा सारे इस कोर्स के अंतर्गत जितने भी PDF हैं, इसके अलावा भी जितने PDF हैं, वो सब कुछ दिया जाएगा, जिसका शुल्क मात्र 499 रुपए। फिर से बता दूं, ये केवल PDF का शुल्क है, बाकी सारी चीजें क्या है, फ्री है। अगर आप PDF नहीं लेने के इच्छुक, आप अपने नोट्स बना सकते हैं तो बनाइए, अगर आप PDF लेना चाहते हैं, समय बचाना चाहते हैं, देखिए क्या है, या तो आप अपना समय गंवा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, पैसा बचा लीजिए, या आप अपना समय बचा लीजिए, 499 कोई बहुत ज्यादा होता नहीं है, अगर महीने के हिसाब से देखें तो 150 रुपए महीने आप उसे कर सकते हैं। चलिए, बहुत ज्यादा समय बिना बिताए हुए हम आते हैं इस चैप्टर पे। इस चैप्टर का जो पहला क्वेश्चन, अगर आप एक बार स्क्रीन पे देखें तो समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। अगर हम सबसे पहले क्वेश्चन देखें कि 500 रुपए की कोई धनराशि है, ठीक है, 500 रुपए की कोई धनराशि है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, साधारण ब्याज एवं मिश्रधन ज्ञात कीजिए। अभी ये क्वेश्चन ऐसा नहीं, मैं इसे कराऊंगा, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि आप समझो कि साधारण ब्याज यानी कि SI, जिसे सिंपल इंटरेस्ट भी बोलते हो, और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कंपाउंड इंटरेस्ट में क्वेश्चन कैसे बनते हैं। और अगर क्वेश्चन बन गया है तो अभी इस प्रश्न में देखें क्या क्या पूछा है। सबसे पहला इंफॉर्मेशन किया दिया है 500 रुपए की धनराशि, कोई धनराशि है जो पहले है, ये जो 500 रुपए धनराशि, इसी को बोलते हैं मूलधन, मूलधन या ऐसे बोले प्रिंसिपल अमाउंट, अंग्रेजी में प्रिंसिपल अमाउंट, क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल अमाउंट बोलते हैं, जो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 500। टर्मिनोलॉजी को हम सीखते हैं इस चैप्टर के, ताकि जैसे जैसे आगे बढ़े समझ में आता जाए क्या चल रहा है इसमें। उसके बाद दूसरा क्या हुआ, 10% वार्षिक साधारण ब्याज, ये जो 10% क्या दिया है। अभी आप देखें तो पिछले दो चैप्टर में आपको परसेंट से तो वाकिफ हो गए होंगे, प्रतिशत चैप्टर में परसेंट देखे ही, प्लस आपको लाभ हानि में भी जहां भी देखे वहां पे क्या निकाले, लाभ प्रतिशत निकाले या हानि प्रतिशत निकाले या आप डिस्काउंट प्रतिशत निकाले, तो वहां पे भी परसेंट से वाकिफ रहे हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही परसेंट है, लेकिन यहाँ पे है ये क्या, ये रेट परसेंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या हिंदी में क्या बोलेंगे,
इंग्लिश में बोलेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट या हिंदी में बोलेंगे दर, ब्याज की दर। यहाँ पे साधारण है तो साधारण ब्याज की दर, और अगर यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट होता तो यहाँ पे क्या बोलते, चक्रवृद्धि ब्याज का दर। तो यहाँ पे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसा ही है, क्या दिया हुआ है 10%। समझिएगा, मैं टर्मिनोलॉजी देखते चलते हूँ। उसके बाद इसमें क्या दिया, 3 वर्ष के लिए उधार दिया गया, यानी कि कुछ और भी क्या यूज किया है, टाइम यूज किया है, जो यहाँ पे क्या दिया है, 3 वर्ष दिया गया। फिर अभी भी इसके बाद कुछ दिया है, अभी नहीं दिया है, लेकिन क्या कर रहा है, पूछ रहा है, एक तो साधारण ब्याज और दूसरा क्या, मिश्र धन। यानी कि आपसे दो चीजें पूछ रहा है, क्या क्या पूछ रहा है, एक आपसे साधारण ब्याज यानी कि SI पूछ रहा है, एक मिश्र धन या फाइनल अमाउंट, या क्या होगा फाइनल अमाउंट, वो आपसे पूछ रहा है, मिश्र धन, है ना। अभी समझिएगा, इतनी टर्मिनोलॉजी आपके सामने आ गई और इस क्वेश्चन को अब हमें लगाना है। अभी बहुत सारे बच्चे, अगर मैं बोलूं आपसे कि हमें बेसिक क्लियर करना है, इसे बेसिक को समझते हुए चलना है, तो बहुत सारे बच्चे के दिमाग में फॉर्मूला आ जाएगा, पे इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि SI का फॉर्मूला यही पढ़ते आए ही है, अगर SI निकालना हुआ तो यही करते आए हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग के पास इतना समय नहीं होता कि हम लोग ये बेसिक पे जाए, इनफैक्ट ये बेसिक नहीं, ये फॉर्मूला है। बेसिक क्या है, प्रैक्टिकल मैथ है, जो मैं आपको पिछले भी 2 चैप्टर में बताता आ रहा हूं। बेसिक का मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज का एक्स और वाई सीखो, किसी चीज का फॉर्मूला सीखो, बेसिक का मतलब होता है व्यवहारिक तरीके से सीखो। आपको समझ में आना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द चीजें चल क्या रही है, आपको समझ में आना चाहिए आपको सोचना कैसे है, आपको समझ में आना चाहिए चीजें कैसे प्रोसेस करेंगे, ये होता है आपका बेसिक। जैसे समझिए, इसी क्वेश्चन पे आते हैं, अगर इस चीज को मैं डिलीट कर दूं, वॉश कर दूं, तो इस क्वेश्चन को लगाने के तरीके पे आते हैं और देखते हैं कि अगर बेसिक तरीके से लगाएंगे तो क्या होगा। लगाते हैं एक बार, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज याद कीजिए। यहाँ पे हमें निकालना क्या है, साधारण ब्याज। तो हमें एक चीज समझना पड़ेगा, अगर टर्मिनोलॉजी आप समझ गए हो तो हमें क्या समझना है, बेसिक कैसे क्लियर करना है। जो साधारण ब्याज होता है वो क्या होता है, लाभ प्रतिशत। जैसे कहानी के तौर पर समझिए कि अभी आप किसी बंदे से 100 रुपए उधार लेके आए, किसी से लेके आओगे तो उधार ही तो लेके आओगे, जब जब ब्याज की बात होगी तब तब आप क्या कर रहे हो, उससे उधार ले रहे, बैंक से आप लोन लेते हो, लोन लेते हो तो लोन क्या है, उधारी ही तो है, आपको उसे चुकाना पड़ता है, और जितना रुपया आप लेके आते हो उससे ज्यादा चुकाना पड़ता है, तो कायदे से बैंक को क्या होता है, फायदा होता है। ऐसे आप किसी महान पुरुष से 100 रुपए लेके आए हो आप अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, लेकिन आप ये बोल के लेके आए हो कि भैया मैं तुम्हें वापिस कर दूंगा, और क्या वापिस करूंगा, ये आपका 100 रुपए तो वापिस करूंगा ही, उसके साथ मैं कुछ रुपए और दूंगा। अभी आप कितना देने की प्रॉमिस किए हो, 10 रुपए की। तो समझिएगा, 100 रुपए आप लेके आए, 100 रुपए आप दिए, दूसरे टर्म में, इस चैप्टर के टर्म में बोला जाए तो आप 100 रुपए का मूलधन लेके आए, प्रिंसिपल अमाउंट लेके आए, और 100 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट आप उसे वापिस करोगे, लेकिन आप 10 रुपए और दोगे, तो ये 10 रुपए क्या है, ये 10 रुपए ही तो ब्याज है, इसी को तो ब्याज बोलते हैं, या आप इंटरेस्ट बोल लो अंग्रेजी में, या आप दूसरे शब्द में क्या बोल लो, प्रॉफिट। लेकिन ये प्रॉफिट किसका, ये प्रॉफिट इन भाई साहब का, आपका नहीं, आपका तो नुकसान है, आप 10 रुपए दोगे, 100 रुपए दे ही रहे हो, 10 रुपए और दे रहे हो, तो आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, लेकिन इनका फायदा हो रहा है। तो इस चैप्टर में हम जो भी चीज देखेंगे इनकी नजरिया से देखेंगे, किसकी नजरिया से देखेंगे, इनकी नजरिया से देखेंगे। आप यहाँ पे, आपका कोई वजूद नहीं है, जो पैसा लेके जाता है उसका कोई वजूद नहीं है, उसको केवल ब्याज चुकाना है, और ब्याज जो भी ऋण लेके आता है, लोन लेके आता है, उधारी लेके आता है, उसकी जिंदगी ब्याज चुकाने में ही बीतती है, आपकी भी ब्याज चुकाने में ही बीतेगी, क्यों, क्योंकि आपको पेपर देना है। तो समझिएगा, हमें इसके नजरिए से देखना है कि ये 100 रुपए दिया और उसे मिला कितना, 110 रुपए, तो इन भाई साहब को 10 रुपए की प्रॉफिट हुई कि नहीं हुई, और ये 10 रुपए है क्या, ये ब्याज है, कितने पे, 100 पे। तो अभी मैं प्रॉफिट परसेंट की बात करूं तो 10 रुपए का जो प्रॉफिट है वो कितने पे दिया आया, 100 रुपए दिया था, मिला 110, 10 की प्रॉफिट कितने पे, 100 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम लोग सीखते आए हैं किससे, 100 से गुणा करना पड़ता है, तो ये कट कर दें तो कितना आएगा, 10%।
10% की प्रॉफिट हो रही किसे? इन्हें। इसका मतलब ये 10% और कुछ नहीं, ये क्या है? ब्याज है। और क्योंकि इसमें हम क्या बात कर रहे हैं, SI की, साधारण ब्याज की, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। अभी क्वेश्चन में देखिए, समझिएगा, आप जो रुपए लेके आए उससे ज्यादा दिए, तो जो प्रॉफिट आई इसकी वो क्या था? इंटरेस्ट था। यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है। कुछ चीजें यहीं पे और सीख लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे जैसे हमने परसेंट के चैप्टर में सीखा था, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100%। फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में सीखा था कि जो CP होती है वो क्या होती है? 100%। अभी इस चैप्टर में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो क्या होगा? 100% होगा। बस चीजें वही है, करने का तरीका वही है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन केवल बस नजरिया बदल गया है। ये 100% आप कोई भी चीज बोलते थे, ये 100% आप प्रॉफिट लॉस यानी CP के रेस्पेक्ट में बोलते थे, ये 100% आप किसके रेस्पेक्ट में बोलोगे? प्रिंसिपल अमाउंट के रेस्पेक्ट में बोलोगे। तो SI या CI के चैप्टर में प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा? 100%। पॉइंट नंबर 1 कि कोई भी चीज जो प्रॉफिट होती है वही क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। प्रॉफिट परसेंट इंटरेस्ट होता है। पॉइंट नंबर 2, यहां पे जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, मूलधन होता है, वो क्या होता है? 100% होता है, अपने आप का 100% होता है। तीसरी चीज और समझिए, जो आपका ये प्रॉफिट परसेंट आया, या दूसरे शब्दों में बोले इंटरेस्ट रेट आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये कैसे पता चलता है? आपका एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट गुणे टाइम, अगर इन दोनों को गुणा कर दिया जाए तो हमें कुल कितना प्रॉफिट मिल रहा है यह पता चल जाएगा। इस बात को हम थोड़ा बाद में और एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, आप समझते चलो। 3 पॉइंट जो मैंने बताया है, पहला तो ये, दूसरा प्रिंसिपल अमाउंट 100% होता है, और तीसरा जो SI होता है वो कुछ और नहीं, वो क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। अगर ये 3 चीज आपको पता चल गया तो सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन है ही नहीं कि आपसे लगे ना, एकदम मुंह जबानी लगाएंगे, पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको थोड़ा साउंड प्रैक्टिस होना चाहिए। तो प्रैक्टिस करना हमारा काम है, करते आएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। जो आपको सीट दी जाती है आप उससे मैक्सिमम प्रैक्टिस करिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन क्लास पे ही डिपेंड करते हैं। अगर आप मान के चलिए इतना हर चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए तो आपकी मैथ तो बहुत ही तेज हो जानी है। जैसा बोलते हैं ना, जीरो से हीरो, तो वाकई में आप जीरो से हीरो बन के रहोगे अगर आप इसे करके चल रहे हो। चलिए आज इस क्वेश्चन को करते हैं। पहला क्वेश्चन अब करेंगे जब हमने इतना कॉन्सेप्ट सीख लिया, और इसी को कहते हैं बेसिक। बेसिक मतलब ये नहीं कि इंटरेस्ट बराबर P/R/T/100, मैंने ऐसा बताया कि आपको, मैंने ऐसा नहीं बताया, ये बच्चे करते थे, ये जब आप 5th-6th क्लास में थे तब करते थे। आप बच्चे हो क्या? आप बच्चे नहीं हो, हो सकता है कि आप में से बहुत लोग कई बच्चों के बाप हो, है ना? तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप बच्चे नहीं हो, बच्चों वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे छोड़ेंगे। हम यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट से करेंगे, अपने व्यवहारिक मैथ से करेंगे, प्रैक्टिकल मैथ से करेंगे। क्यों? तो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात करें। सबसे पहले क्या पता करना है? साधारण ब्याज। मैंने क्या बताया? साधारण ब्याज जो होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। और ये प्रॉफिट परसेंट आप निकालते कैसे हो? रेट परसेंट इंटू टाइम, या रेट इंटू टाइम परसेंट, ऐसे बोल दे, यही क्या होता है? प्रॉफिट परसेंट होता है। तो समझिएगा, 10% क्या है? रेट, ये क्या है? 10% है। और टाइम क्या लिया हुआ है? 3 साल। तो अगर 10 का 3 से गुणा कर देंगे, 10% गुणे 3, ये कितना आ जाएगा? 30%। और 30% क्या है? लाभ। यही तो है SI, यही तो है SI। तो अब आप निकाल ले लोगे? कैसे निकालोगे? कंपैरिजन से। कंपैरिजन तो आप करते ही आ रहे हो ना। तो बस 500 रुपए पे 30% की प्रॉफिट, समझिएगा, 500 रुपए पे 3% की प्रॉफिट हमें निकालना है। तो 500 का 30% नहीं निकाल लेंगे, 100% बराबर 500, तो 30% बराबर 150। आप ऐसे भी परसेंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, ऐसे भी कर सकते हैं, क्या जाएगा? 150। यानी कि जो आपकी SI थी वो कितनी है? 150 है। 500 का 30% यहाँ पे क्या है? SI है। उसके बाद उसने क्या पूछा? उसने पूछा मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन क्या होता है? फाइनल अमाउंट। जब आप ब्याज और मूलधन दोनों मिला के वापिस करते हो तब आप क्या दे रहे होते हो? मिश्र धन दे रहे होते हो। तो एग्जैक्टली 150 आपका ब्याज है, प्लस 500 आपको मूलधन तो वापिस करना ही पड़ेगा, तो कितना वापिस करोगे? 650 रुपए। और ये 650 ही क्या है? मिश्र धन है, ये मिक्स्ड अमाउंट है, या ऐसा बोल दें फाइनल अमाउंट है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये क्वेश्चन हमारा करने का तरीका था, ये हमारा बेसिक था। परेशान मत होइए, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समझते जाएंगे चीजों को, बहुत ही मजा आने वाला है क्लास में। इस कॉन्सेप्ट से आप करेंगे कभी गलत नहीं होने वाला है।
कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, देखो कंपैरिजन आपको हर जगह यूज होने वाला है, जो आप बचपन में सीखे थे उसका सही प्रयोग आपको यहीं पे करना है, और जो कंपैरिजन सीख लिया ना उसकी जिंदगी एकदम हलवा हो गई समझ लीजिए। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों के लिए 2500 हो जाता है कोई धन, समझिए गए यहाँ पे। 5% के हिसाब से 5 साल में कुल प्रॉफिट कितनी होगी, यानी ब्याज कितना मिलेगा, 25% मिलेगा, और मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, यानी 100% ये जोड़ ले 25% ये जोड़ ले तो टोटल कितना हो जाएगा 125%। ये 125% है क्या, 100% मूलधन और 25% ब्याज, और मूलधन और ब्याज जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, मिश्रधन, मिश्रधन यानी कि फाइनल अमाउंट, तो 125% फाइनल अमाउंट है, तो वही तो कह रहा है 2500 हो जा रहा है, वही तो कह रहा है भाई कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में 2500 हो जा रहा है, और 2500 हो जा रहा है मतलब 2500 क्या है, मिश्र धन है। तो अगर 125% बराबर 2500, तो भाई साहब आपसे पूछ क्या रहा है, धन पूछ रहा है, वह धन क्या था, मतलब कि मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन अपने आप का कितना 100%, 125% बराबर पता है तो 100% आप निकाल लोगे, नहीं निकाल लोगे, बहुत आराम से निकाल लोगे, 2500 बटे 125 गुणे 100, पिछले 10-15 क्लास में सीखे क्या हो, यही तो सीखे हो। मैंने क्या बोला था, एक तरीका सीखेंगे और पूरी अर्थमेटिक एक कॉन्सेप्ट पे कर डालेंगे, यही तो होता है तरीका, इसी को तो अच्छा तरीका बोलते हैं। एक आपको रास्ता पता हो और उस रास्ते से सारी मंजिल हासिल हो जाए, उससे अच्छा क्या हो सकता है ना। चलिए तो 100% बराबर 2500 बटे 125 गुणे 100, 125 से दो बार कटेगा 20, यानी कि उत्तर आ जाएगा आपका 2000। फटाक से अपनी पैनी निगाह से 2000 देख डालो, ऑप्शन में कहाँ है, ढूंढने में तो माहिर रहते ही हो, तो 2000 ऑप्शन डी आपका है, यही क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिना समय को गंवाए हुए जल्दी जल्दी सीखते हैं, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और एकदम जीरो से हीरो बन के रहोगे आप, इतना समझ के चलो। मैं फिर से बता रहा हूं, जो बच्चे पहली क्लास कर रहे हैं वो परसेंटेज देखें, प्रॉफिट एंड लॉस देखें, फिर CISI देखें, बहुत मजा आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। और हर जो क्लास होता है, क्लास का पैटर्न होता है, हम एकदम बेसिक लेवल से इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का स्तर बढ़ता जाएगा, लेवल बढ़ता जाएगा, और लास्ट में हम देखेंगे कि हमें सब कुछ समझ में आएगा, और ऐसे समझ में आएगा जो जिंदगी में आपको कभी नहीं समझ में आया था। खैर इस चीज को देखते हैं कि इसमें जो बोल रहा हूँ वो वाकई में होता है या वैसे बोलता रहता हूँ, जो बोलता हूँ वो होता है, ऐसे मत बोला करो। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपए है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दे देते। अभी यहीं पे भी सेम करना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है, क्या करना है, कंपैरिजन करना है, जो आपने बचपन में सीखा था अपने मित्र के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, वही आपको मैथ में करना है। तो कंपेयर कर डालिए, किसे कंपेयर कर डालिए, 7% का ब्याज है और कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, तो कुल प्रॉफिट परसेंट कितना, 7 गुणे 4 यानी कि 28%। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताते रहो यार, बोलते रहो साथ साथ में कि समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, तुरंत लिखो कमेंट बॉक्स में, है ना, कि समझ में आ रहा है, तभी तो मैं जानूंगा कि समझ में आ रहा है, वरना कैसे जानूंगा, ताकि साथ साथ चलता रहे। हाँ, बताते रहा करो आप लोग। तो 28% प्रॉफिट परसेंट बोल लूं, या दूसरे शब्दों में इंटरेस्ट बोल लूं, या और भी अच्छा बोल लूं तो सिंपल इंटरेस्ट बोल लूं, तो ऐसा ही आपका 28% है। लेकिन क्वेश्चन महोदय क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 280 रुपए ब्याज मिला है, तो आप बोलोगे कि मुझे तो 28% ब्याज मिला, क्वेश्चन महोदय बोल रहे हैं कि 280 रुपए मिला, तो एक बात बताओ दोनों को आप कंपेयर करोगे कि नहीं कंपेयर करोगे। और कंपेयर करने के लिए देखिए मैं एरो की साइन लगाता हूं, बहुत सारे लोग या बहुत सारी किताबें कभी कभी अगर इस तरीके से बताती है तो ऐसे लिख देती है, गलत हो जाएगा भाई साहब, ये परसेंट है, ये रुपया है, रियल वैल्यू है, ये कंपेरेबल वैल्यू है, दोनों के बीच में बराबर कैसे लगा दोगे, आदमी बराबर औरत कर दोगे क्या, नहीं होगा, बराबर नहीं हो पाएगा भैया, 28% बराबर नहीं हो पाएगा, गलत हो जाएगा, ऐसा करोगे तो मैथ बुरा मान जाएगी, और मैथ बुरा मान जाएगी तो मैथ कभी नहीं आएगी, याद रखना। तो इसे हम ऐसे नहीं करेंगे, क्या लगा रहा हूं मैं, एरो लगा रहा हूं, मतलब मैं उसको पॉइंट कर रहा हूं कि इसके कंपेरेबल में ये है, तो 28% बराबर 280, तो आप भी तो जानते हो कि मूलधन आपका क्या होता है, 100% होता है, तो 28% बराबर 280, तो 100% बराबर क्या, इसे 10 बार जाएगा, 1000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, फटाक से उत्तर देख लो, ऑप्शन है, एकदम सीना चौड़ा करके मार के चले जाओ, गारंटी के साथ सही हो जाएगा, आपकी झोली में अंक जाएगा, सिलेक्शन आपका होगा, खुश आपके रिश्तेदार, रिश्तेदार तो नहीं खुश होंगे, घर वाले जरूर खुश होंगे,
आपकी सफलता से सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है जानते हैं? आपके रिश्तेदार। बात सही है, मजाक नहीं कर रहा हूँ। साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर पर 30,000 रुपए का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 प्राप्त होगा? क्वेश्चन को करिए, बताइए। अब भाई 3 क्वेश्चन कर चुके हो, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, अब इस कॉन्सेप्ट पे तो आपका उत्तर फटाक आना चाहिए, मुश्किल से 4 सेकंड में। देखते हैं 4 सेकंड में कौन उत्तर देता है, जल्दी दीजिए। साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर पर 30,000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 हो जाएगा? इस बार पूछा क्या है आपसे, टाइम पूछा है, और जितने बच्चे पहले मुझसे पढ़ चुके हैं या जो आज क्लास में पढ़ रहे हैं उनसे उत्तर तो मुश्किल से 3 सेकंड में आना चाहिए। बहुत लोगों के तो उत्तर आ भी गए हैं गलत सही। चलिए देखते हैं, साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर पर 30,000 का 5 वर्ष का साधारण ब्याज 7500 हो जाएगा? अच्छा, 5 वर्ष दिया, रेट आपसे पूछ रहा है, रेट ही पूछ रहा है, रेट परसेंट पूछ रहा है। देखिए अभी हम देखो कुल फायदा कितना हो रहा है, 7500 रुपए कितने पे, 30,000 पे, निकाल लो 7500, 30,000 पे फायदा हो रहा है। अगर प्रॉफिट परसेंट निकालना तो एक निकालोगे, है ना, 0 0 यहाँ पे काट दो, यहाँ पे 0 0 काट दो, 3 कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा, यानी कि कुल प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25%। और मैंने अभी अभी बताया प्रॉफिट परसेंट या इंटरेस्ट बोले तो ये क्या होता है, रेट इंटू टाइम परसेंट, यही तो होता है। तो कर डालो भाई, आपको रेट कितना पता है, टोटल 25% पता है ना टोटल प्रॉफिट, और इधर क्या हुआ है, रेट पता करना है, और टाइम कितना दिया हुआ है, 5 वर्ष। तो आर की वैल्यू नहीं निकालेंगे, निकालनी है, परसेंट से परसेंट कटा, 5 से 25, 5 बार जाएगा, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी 5, आर की वैल्यू 5 आ जाएगी, यानी 5% उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन भी हो जाएगा। तो इतना आसान था, देखिए मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि जो प्रॉफिट परसेंट होता है या जो इंटरेस्ट होता है, लेकिन केवल साधारण ब्याज का केस है। अभी समझिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन में बोलेगा यहाँ पे क्या बोला है, वार्षिक ब्याज की दर पर साधारण ब्याज, देखिए यूज किया है, वो बताएगा साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, आपको अपने मन से नहीं मान लेना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कराते चलेंगे आपको बताते चलेंगे, ये साधारण ब्याज में लगेगा कि आप क्या करोगे, प्रॉफिट परसेंट या इंटरेस्ट बराबर आर इंटू टाइम परसेंट। चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं लगा पाओगे, और लगा पाओगे तो केवल 1 साल का, क्योंकि 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज दोनों क्या होता है, समान होता है। समझिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अगर ये पॉइंट आ गया तो समझा दूं आपको कि SI और CI में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे समझ के चलिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो बेसिक सा डिफरेंस ऐसा समझिए कि ये धीरे धीरे चलता है और ये बहुत तेजी से चलता है, धीरे धीरे चलता है, बहुत तेजी से चलता है। मतलब अगर आप इस पे उधार लेंगे ना तो आपको जो लौटाने वाली राशि वो धीरे धीरे बढ़ेगी, अगर आप इस पे उधार लेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ेगी। कहने का मतलब, अगर आप 100 रुपए लेके आए और 10% का रेट है तो 3 साल में आपको केवल 30% देना पड़ेगा, और आप 100 रुपए की चीज लेके आए और 10% रेट है तो यहाँ पे आपको 33.1% देना पड़ेगा, 30% यहाँ देना पड़ेगा, 33.1% और 3.1% का डिफरेंस आएगा। तो तेजी से बढ़ा रुपया कि नहीं बढ़ा, उतने ही समय में ज्यादा रुपया आपको देना पड़ा। क्यों होता है ऐसा समझ लीजिए बेसिक सा, क्योंकि यहाँ पे चीजें प्लस में चलती हैं, प्लस में चलती है। मतलब आप 100 रुपए लेके आए, पहले साल का ब्याज 10 रुपए देना होगा, दूसरे साल का भी ब्याज 10 रुपए देना होगा, और तीसरे साल का भी ब्याज 10 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन जब आप यहाँ पे 100 रुपए ले आओगे तो पहले साल का ब्याज 10 रुपए देना पड़ेगा, इसलिए मैं बोला पहले साल का SI और CI सेम होता है। जब मैं चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाऊंगा तो इसे और अच्छे समझाऊंगा। लेकिन जब आप दूसरे साल पे आओगे तो 10 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 रुपए और देना पड़ेगा, वो 1 रुपए क्या होगा, इसका ब्याज होगा। और जब तीसरे साल पे आओगे तो 10 रुपए तो देना ही पड़ेगा, प्लस 1 रुपए देना पड़ेगा, प्लस 0.1 और देना पड़ेगा, प्लस 10 और देना पड़ेगा, मतलब कई सारे ब्याज आपको देने पड़ेंगे। तो वहां पे इस कारण हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है रुपया। और जब बढ़ जाए, एक और होगा, एक होगा, जब बढ़ जाता है तो क्या होगा, वो तेजी से चल रहा है, यहाँ पे धीरे धीरे चल रहा है, ये लीनियर वे में चल रहा है। दूसरे शब्दों में चले, ये लीनियर वे में चल रहा है और ये एक्सपोनेंशियल वे में चल रहा है। ऐसे समझे, इसका ग्राफ ऐसे रहेगा और इसका ग्राफ ऐसे रहेगा। अंतर समझ में आ रहा है, ऐसा इसी आएगा, एकदम ग्राफ के तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और अच्छे से समझना है तो ऐसे समझिए, यहाँ पे चीजें प्लस हो रही हैं और यहाँ पे चीजें गुणा होती हैं। जैसे यहाँ पे 10 + 10 + 10 किए थे, कितना आएगा, 30%। और यहाँ पे क्या करोगे,
यहाँ पे 100 का 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 गुणे 110 बटे 100 करोगे तो देखो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, प्लस हो रही है, यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, गुणा हो रही है। ये अंतर होता है। मैंने बोला तेजी से चलता भी, प्लस को थोड़ा चला दो, ये प्लस है और इसको स्पीड दे दो तो क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, नहीं फिर ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो बस अगर प्लस चल दिया तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा, इसको स्पीड मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा, सीआई हो जाएगा। इसलिए आप समझिए जो एसआई होता है वो धीरे चलता है और जो सीआई होता है वो तेज चलता है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। तो इसका उत्तर क्या गया था, 5% आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप फटाक से 3 से 4 सेकंड में उत्तर दो, देखते हैं कितने बच्चे उत्तर दे देते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष से साधारण ब्याज 150 रुपए हो जाएगा। 5% का वार्षिक ब्याज है, 500 रुपए पे करना है, कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। इस बार क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, तो बस आप लगा दो R into T% बराबर क्या, इंटरेस्ट कितना है R, 5, टाइम आपसे पूछ रहा है, इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 150। 150 500 का कितना परसेंट है, तो 150 बटे 500 गुणे 100। ध्यान दीजिएगा इधर भी परसेंटेज ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, 30%। यानी कि आप अगर इसे सॉल्व करो तो 5t% बराबर 30%, परसेंट से परसेंट काट दो, टी से टी निकालना है, 5 से 30 काटो तो 6 बच जाएगा, यानी टी की वैल्यू आ जाएगी 6 और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये आपका उत्तर, बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 575 रुपए तथा 5 वर्ष में 625 रुपए हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। अगर आप इतना समझ गए हो तो क्या समझ गए हो, ये समझ गए होंगे कि अगर जो एसआई होता है, साधारण ब्याज होता है, वो क्या होता है, प्लस होता है, चीजें प्लस प्लस होके चलती हैं, तो आप समझ जाओगे। पहले साल का ब्याज प्लस दूसरे साल का ब्याज प्लस तीसरे साल का ब्याज क्या होता है, प्लस प्लस चलता है, वही कॉन्सेप्ट इसमें लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं, यहां पर आप किसी से ब्याज लेके आए, ये पहला साल है, मैं फर्स्ट ईयर बोलूं, ये सेकेंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, ऐसे तो आप आगे बढ़ते चले जाओगे। ये 5 साल की बात कर रहा है तो ये फोर्थ ईयर है और ये फिफ्थ ईयर है। अब समझिएगा, समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। बोले कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपए हो रहा है, आप इससे जो भी रुपए लेके आओगे अगर 3 वर्ष पे लौटाओगे तो कितने लौटाओगे, 575, और यही अगर आप 5 वर्ष पे लौटाओगे तो आप कितना लौटाओगे, 625। 3 वर्ष में 575 लौटा रहे हो और 5 वर्ष पे 625 लौटा रहे हो, समझिएगा बात को। तो यहां से यहां पे जब आप गए तो आपका रुपया बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यही तो एसआई होती है। आप जितना देर में वापस करोगे उतना आपका क्या हो जाएगा, पैसा बढ़ता चला जाएगा। उधारी में ये होगा, जितनी जल्दी उधारी वापस कर दो उतनी उधारी आपको कम देना पड़ेगा, किसमें, ब्याज पे होगा, जब बिना ब्याज के हो तब तो बात अलग है। तो समझिएगा यहां से यहां पे आने पे डिफरेंस कितना हो गया, देखा जाए तो यहां से यहां पे आने पे 50 का डिफरेंस हो गया। तो कहने का मतलब हर वर्ष कितना बढ़ेगा, 2 साल का गैप है आपका, देखा जाए तो साल में 2 का गैप, रुपए में 50 का गैप, तो 2 साल में अगर 50 रुपए बढ़ जाता है तो 1 साल में कितने रुपए बढ़ जाएगा, 25, और 1 साल में बढ़ी हुई राशि, 1 साल में बढ़ी हुई राशि ही क्या कहलाती है, साधारण ब्याज। 1 साल में जो सम एक्रू हो रहा है वही क्या कहलाता है, एसआई कहलाता है। तो 575 से 625 होने में प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है, 25 रुपए, यानी प्रतिवर्ष ब्याज कितना लग रहा है, 25। तो समझिएगा अगर हर वर्ष हर साल 25 रुपए ब्याज लग जा रहा है तो इसका मतलब इसमें 25 रुपए ब्याज होगा, इसमें यहां पे भी 25 रुपए ब्याज लगा होगा, यहां पे भी 25 रुपए ब्याज लगा होगा। तो जब आप पहले साल आओगे तो केवल 25 रुपए ब्याज लौटाओगे, दूसरे साल लौटाओगे तो 2 साल का ब्याज लौटाओगे 50 रुपए, तीसरे साल आओगे तो 3 साल का ब्याज लौटाओगे कितना, 75 रुपए ब्याज आप लौटाओगे। तो इस 575 में ब्याज कितना है, 575 में 75 रुपए तो आपका ब्याज ही है, यानी कि मूलधन कितना होगा, 500। मिश्रधन में से ब्याज को माइनस कर दिया जाए तो क्या पता चलेगा, मूलधन। यानी इससे एक चीज आपको यह पता चल गई कि जो मूलधन हमारा था वो कितना था, 500, और आपको ब्याज भी पता है। समझिएगा
मूलधन जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो 500 रुपए है, और आपको ये भी पता है कि हर साल आपको 25 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो बस अब निकाल नहीं लोगे ये प्रॉफिट, ये सीपी प्रॉफिट परसेंट नहीं निकाल लोगे, ये ब्याज, ये मूलधन, तो ब्याज दर नहीं निकाल लोगे। कैसे? 25 कितने पे? 500 पे। परसेंट लगाने के लिए 100 से गुणा कट कर दो, आके आ जाएगा 5%। तो 5% हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, देख लेते हैं हमारा कहीं ऑप्शन में दिया है, दिया है भाई, ऑप्शन भी आपका दिया है 5%, और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर आ जाएगा। फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी से करने की कोशिश करते हैं, आप लोग भी साथ साथ उत्तर दिया करिए। 5-6 क्वेश्चन हो गए हैं तो समझ में आना चाहिए, आपसे लगने चाहिए प्रश्न। अगर आपसे इतने पे 5-6 पे प्रश्न लगने लगे, इसका मतलब आप एवब एवरेज हो। अगर आप पहली बार ये क्लास कर रहे हो और 5-6 क्वेश्चन के बाद अगर आप ये प्रश्न अपने आप से लगा ले रहे हो तो आप एबव एवरेज हो। अगर थोड़ी सी परेशानी हो रही है तो आप गुड हो, और एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्या चल रहा है, तो यकीन मानो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, बहुत मेहनत की जरूरत है। मेहनत करोगे तभी कॉम्पिटिशन बीट कर पाओगे। देखिए मैं आपका मन बहलाता रहूं कि बेटा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, उसका कोई नतीजा नहीं, कोई फायदा नहीं है। आपको मेहनत की अगर जरूरत है, अगर आपको 5-6 क्वेश्चन के बाद भी एकदम नहीं लग रहा है, तो थोड़ा एकाग्रता और बढ़ानी है, अपने पढ़ाई का ड्यूरेशन बढ़ाना है, क्योंकि अभी मौजूदा जो समय है ना, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, और जैसी स्थितियां चल रही है ना, जैसी परिस्थिति है कि आपके नंबर ऑफ जो जॉब है वो कट होंगे, 500 की वैकेंसी होगी तो 100 ही आएगी, भैया 20% हो जाएंगी, 1/5 हो जाएंगी आपकी जॉब कट होके, है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं वैकेंसी नहीं, वैकेंसी तो आएगी लेकिन लोग उतने ही हैं, जॉब कम है, तो एक सीट के लिए आपका 5 गुना फाइट बढ़ जाएगी। तो समझिए अगर आप बिलो एवरेज हैं, आप गुड से नीचे हैं, अगर आपको कठिनाई हो रही है तो आप पेपर कैसे निकाल पाओगे, आप कैसे उस कंपटीशन को बीट कर पाओगे। इसलिए यहाँ पे सारी निराशा छोड़ के प्रैक्टिकलिटी में आप ऐसा समझिए कि अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ पे बिलो एवरेज हूँ तो आपको मेहनत ज्यादा करना है। अगर आपको लगता है मैं एवरेज हूँ तो ऐसा नहीं आपको ओवर कॉन्फिडेंस में खत्म हो जाना है, आपको ये समझना है कि आपसे भी अच्छे लोग हैं उनको बीट करना है, और आप बहुत अच्छे हैं तो भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं करना है, छोटी छोटी गलती आपको बाहर कर सकती है। इसका मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, एवब एवरेज हो, गुड हो, या बिलो एवरेज हो, बिलो एवरेज हो, है ना, आप तीनों कैटेगरी में मेहनत आपको ज्यादा चाहिए, इसे ज्यादा मेहनत चाहिए, इसे थोड़ी कम चाहिए, इसे थोड़ी कम चाहिए, लेकिन मेहनत के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो ये बात भी दिमाग में रखिएगा। चलिए क्या कह रहे हैं कि 8,000 पर 10% वार्षिक दर से 9 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। अभी तक हर चीज हमें वार्षिक निकालनी होती थी, अभी तक हर चीज वार्षिक निकालनी होती थी, अभी हमें महीने में निकालना है। कुछ ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चे से देख के परेशान हो जाते हैं, लेकिन बहुत आसान है, करते हैं। क्या है 8,000 का 10% वार्षिक दर से, अगर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ध्यान रखिएगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है वो 1 साल का दिया होता है, 1 ईयर का दिया होता है, जैसे इस क्वेश्चन में है, लेकिन पूछ किस लिए 9 माह का, तो अगर 10% निकालेंगे 8,000 का तो कितना आएगा 800, लेकिन ये 800 जो ब्याज है ये कितने का आएगा 1 साल का। तो कुछ करना नहीं है आपको, बस इतना करना है 1 साल में अगर 800 रुपए मिल रहा है तो 9 महीने में कितना मिलेगा, ये तो पता करना है। 1 साल में महीने कितने 12, तो 12 महीने में 800, तो 9 महीने में कितना नहीं बता पाओगे, निकाल लोगे भाई, यही तो आप निकालते आए हो। 800 बटे 12 गुणे 9, 3 3 का 9 3 4 12, 4 2 यानी कि उत्तर क्या आ जाएगा 600, और 600 आप तुरंत कहां देख लो, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? इससे आसान कुछ नहीं हो सकता है, बहुत आसान है। बेसिक क्लास हम कर रहे हैं, सारी बेसिक चीजें आप सीख के चलेंगे, जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन बहुत मजेदार आने वाले हैं, और उसके साथ कॉन्सेप्ट भी और मजेदार होने वाले हैं। देखते चलिए, एक निश्चित धनराशि पर एक समान साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष और 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज के बीच अनुपात होगा। रेशियो पूछ ले रहा है, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन कैसे आसान है, बोले एक निश्चित धनराशि है, धनराशि नहीं पता है, एक समान साधारण ब्याज, दोनों का ब्याज दर भी सेम है पता नहीं है, लेकिन केवल पता क्या है टाइम, और पूछ क्या रहा है दोनों केस के एसआई का क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ, यही पूछ रहा है। साधारण ब्याज के बीच अनुपात होगा कब, जब 6 वर्ष के लिए दिया जाए और 12 वर्ष के लिए दिया जाए, तो कुछ भी हो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो आर इधर भी हो जाएगा, ऐसे समझिए R1 T1%
H2R2T2% यही पूछ रहे हैं, यही पूछ रहा है आपसे। तो R1T1% इज इक्वल टू R2T2%, ये R1 और R2 दोनों सेम है क्योंकि क्या बोला, समान साधारण ब्याज। तो R1 R2 सेम है तो कट जाएगा, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, T1:T2 हो जाएगा। T1 की वैल्यू है 6, T2 की वैल्यू है 12, एक यहाँ पे आएगा और दो यहाँ पे आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सेम। बात समझ में आई? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 4/9 है, यदि ब्याज की दर का संख्यात्मक मान और समय बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। मतलब जो रेट और टाइम है दोनों क्या है, बराबर है, तो कुछ दिक्कत नहीं है। ब्याज का दर ही तो पता करना है। ब्याज का दर कैसे निकालते हो, R×T% और R और T दोनों सेम है तो T बराबर R ही लग दो, तो R स्क्वायर हो जाएगा, R²% यही निकालना है। R की वैल्यू, अच्छा दिया क्या है, दिया है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूल राशि का 4/9 हो जाता है। मतलब मूल राशि अगर 9 है और ब्याज क्या हो जाएगा 4, तो अगर इससे 100 से गुणा कर दें तो कुल आपको ब्याज दर नहीं पता चल जाएगा, पता चल जाएगा। यानी कर लो 400/9, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400/9 हो जाएगा आपका कुल ब्याज दर, कुल जो आपको लाभ हो रहा है। और यहाँ पे क्या है, आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे भी परसेंट है क्योंकि 100 से गुणा कर दिए, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। आर बराबर आप क्या कर दोगे, इसका अंडर रूट ले लोगे, 400/9, 400 बाहर आएगा तो 20 बनेगा, 9 बाहर आएगा तो 3 बनेगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 20/3। यानी इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 6.66% आपका उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे कुछ नया नहीं करना था, यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना था। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, क्या बोल रहा है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 हो जा रहा है। मतलब अगर मूलधन 9 है तो ब्याज आपको कितना मिलेगा, 4, 4 का फायदा 9 पे, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 4 का फायदा 9 पे और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, यही तो किए। और जो प्रॉफिट परसेंट होता है वही SI परसेंट होता है, तो बस। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, R×T%। तो ये बहुत काम की चीज है, ये बहुत काम की चीज है, SI बराबर R×T का परसेंट बहुत जगह यूज हो जाता है, ये आप दिमाग में रखे रहो, बहुत जगह यूज हो जाएगा। इसमें भी वही यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राशि 9% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 13,050 रुपए हो जाती है, समान राशि 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। इतना वो बोल रहा है भैया, 9% है 5 साल के लिए, तो 9×5% बराबर 45%, 45% आपका फायदा और मूलधन आपका था 100%, दोनों को जोड़ दोगे तो आ जाएगा कितना, 145%। ये आपका क्या हो जाएगा, मिश्रधन। और मिश्रधन बता कितना रहा है, 13,050, यानी 145% बराबर क्या दिया हुआ है, 13,050, बस ये 5 है 8 नहीं है, तो 145% बराबर 13,050। तो आपको निकालना क्या है, देख लीजिए, अगर आपसे यहाँ पे मूलधन पूछता तो आप 100% निकाल देते, लेकिन मूलधन नहीं पूछा, उसने क्या पूछा है, समान राशि पे 8% प्रतिवर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। उसी राशि पे अगर 8% की दर से दिए 4 सालों में तो कितना मिलेगा, तो फायदा कितना मिलेगा, 32%, यानी 145% आपका दिया हुआ है और 32% आपका निकालना है, क्या निकालना है, 32%, तो 145% बराबर इतना, तो 32% बराबर निकाल लो, 13,050/145×32, इसे कर लेंगे हमारा उत्तर आ जाएगा, 145 को 10 से करें तो 14,500 जाएगा, है ना, 145 है, हाँ, तो ये जाएगा करीबन 9 बार जाएगा, यहाँ पे 90 आएगा, और 90×32 अगर करेंगे तो 9×2=18 और 9×3=27, 28, यानी 2880 आपका क्या जाएगा, उत्तर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ये तरीका हमारा लगाने का, कुछ भी देखो, आपको कितना भी उलझाने की कोशिश करें, हम इसे आसान से आसान तरीके में कर लेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि 12,000 रुपए की धनराशि को ऐसे दो भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग का 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा दूसरे वर्ष के 4.5 वर्ष का 16% के दर से साधारण ब्याज दोनों बराबर हो। मतलब आप 12,000 रुपए को
दो तरीके से ब्याज पे दे रहे हो, दो तरीके से। एक पे क्या कर रहे हो, 3 वर्ष के लिए दे रहे हो 12% पे, दूसरे पे क्या कर रहे हो 4.5 को दे रहे हो 16 वर्षों के लिए। बस इतना सा सीन है, अलग कुछ नहीं है। अभी बोल रहा है कि ब्याज के बराबर बड़ा वाला भाग क्या है, मतलब इनमें से जो बड़ा आपको फायदा होगा कितने पे दिए हो उसका आपका क्या पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है। तो समझिएगा, आप इन दोनों का रेशियो निकाल लो जो आप पहले ही भी करते आए हो, ये पता चल जाए कि इधर इधर मूलधन कितना होगा। तो समझिएगा यहाँ पे फायदा कितना 36% का, यहाँ पे अगर 4.5 × 16% करें तो यहाँ पे फायदा कितना हो जाएगा 72%। 16 × 64, 64 × 6 = 72, 36% का फायदा यहाँ पे, 72% का फायदा। 36% किसका, इस मूलधन का, यानी अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट 1 का 36%, और ये 72% किसका, प्रिंसिपल अमाउंट 2 का। तो बस प्रिंसिपल अमाउंट 1 और प्रिंसिपल अमाउंट 2 का रेशियो निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो, कर दो भाई। प्रिंसिपल अमाउंट A1 इंटू 36% और यहाँ पे रेशियो निकालना है 72% ऑफ क्या, प्रिंसिपल अमाउंट A2। ऑफ से ऑफ कट जाएगा और परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 36 एक बार जाएगा इधर दो बार करेगा, यानी अगर इन दोनों का हम रेशियो निकाल लें तो PA1 अपॉन PA2 यानी प्रिंसिपल अमाउंट पहला और दूसरे का जो रेशियो होगा वो क्या आएगा, 2:1। मतलब अगर ये 2 होगा तो ये 1 होगा, दोनों मिलके कितना 3, तो दोनों मिलके 3 और आपका आपको कितना बता रहा है 12,000, 3 = 12,000, तो 2 बराबर नहीं निकाल लोगे, बड़ा वाला 2 ही तो है, 12,000 / 3 × 2 यानी कि ये 4,000 कितना जाएगा, 8,000 आपका उत्तर आ जाएगा। मैं जूम कर दे रहा हूँ ये कैलकुलेशन ताकि आपको समझ में आ जाए, ये है कैलकुलेशन। 3 = 12,000, तो 2 = 12,000 / 3 × 2 यानी कि 8,000 आपका उत्तर आ जाएगा, 8,000 कहाँ पे है, ये आपका सही उत्तर। समझ में आ गई बात, तो इतना आसान सा था ये, हमारे 11 प्रश्न जो थे ये बेसिक कॉन्सेप्ट पे थे। अगर हम फिर से यहाँ पे मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँ तो समझ में आना चाहिए कि बेसिक कॉन्सेप्ट में पहला पॉइंट ये समझ में आना चाहिए कि जो आपका मूलधन है यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है वो अपने आप का क्या होता है, 100% होता है। दूसरी चीज आपको क्या समझ में आनी चाहिए, दूसरी चीज समझ में आनी चाहिए, जो आपका इंटरेस्ट होता है वो आपका प्रॉफिट परसेंट होता है, और उसे निकालते कितने हैं, रेट इंटू टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये दो चीज मेन धार थी। तीसरा आप क्या करते आए थे, इन्हीं दोनों के बल पे क्या करोगे, कंपैरिजन करते आओगे, ठीक। ये हमारे मेन चीजें हैं। ये सब किस चीज की बात कर रहा हूं मैं, SI की बात करूं, इवन SI SCI दोनों में लगेगा, बस CI में ये वाला जो पार्ट है वो केवल 1 साल के लगेगा। यहाँ पे अगर दूसरी बात देखें तो जो SI में होता है चीजें प्लस में चलती हैं, आपको मैंने बताया कि CI में चीजें मल्टीप्लाई में चलती हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। SI में हर साल में आपके SI में इक्वल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब जो ब्याज होगा वो बराबर मिलेगा। तो ये कुछ सारी पॉइंट है, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, अपने दिमाग में फिट कर सकते हो, अपनी आंखों में फोटो खींच सकते हो, जैसे होता है नागिन फोटो खींच लेते हैं, वैसे आप भी आंखों में फोटो खींच सकते हो, ताकि आपको ये ध्यान रहने का मतलब, और यही मेन जड़ है। अगर आपको इतने पॉइंट आते हैं तो आप SI CI में सब कुछ लगा लेंगे, बहुत ही आसान चैप्टर है। मैं अक्सर देखा हूं बच्चे इससे घबराते रहते हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपका चॉकलेट क्वेश्चन है, चॉकलेट क्वेश्चन इसी पे आधारित होता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आप सभी लोग इसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में कमेंट करने की कोशिश करो, हो सके तो अभी बता दो 4-5 सेकंड में, नहीं तो बाद में कमेंट में भी बता देना, पूरा समय लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही विधिवत कॉन्सेप्ट है, अगर ये आप लगा ले तो इसका मतलब आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत है, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक सकता। अगर ये प्रश्न आपसे लग गया तो मैं हिंट के तौर पर बता दूंगा, अगर बच्चे रेशियो पढ़े हो तो रेशियो को कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत लग सकता है, या आप बेसिक पे भी लगा सकते हो अपनी तरीके से सोच के। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप इसे करने की कोशिश जरूर करिएगा। बाकी अभी आपको क्लास शीट दे दी जाएगी, साथ में ही आपको प्रैक्टिस साइट इसका दे दिया जाएगा, अवेलेबल करा दिया जाएगा, ताकि आप क्लास पे प्रैक्टिस कर लो। और मैथ्स की तो प्रैक्टिस शीट जाती ही है, रीजनिंग की भी आपकी जाती है, हिंदी वगैरह, GS वगैरह, GS प्लस में भी जाती रहती है, आपका ग्रामीण परिवेश भी जाती रहती है। तो बहुत सारे PDF जो नोट्स आपको दिए जाते हैं, आपकी भलाई के लिए दिए जा रहे हैं। अगर आप नोट्स बनाने में सक्षम नहीं हो तो आप खुद
अगर कैपेबल नहीं हो खरीदने में, ऐसा लगता है कि 499 रुपए ले लोगे तो आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर हो जाएगी, आपकी घर की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी, गरीबी छा जाएगी, तो जरूरत नहीं है इसकी। आप क्या करो, खुद से लेकिन नोट्स बनाओ। अगर हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, टीम परीक्षा प्लस मेहनत कर रही है, तो यकीन मानिए आपके हित में कर रही है। आप खुद से ईमान, जो बंदा खुद से ईमानदार हो गया उसका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। और जिसके मन में थोड़ा सा भी द्वेष भाव है, अरे यार देख लेंगे, अरे यार कर लेंगे, हो जाएगा, यकीन मानो वही बाद में रोता है, वही पछताता है, काश मैं थोड़ा और मेहनत कर लिया होता तो मेरा एक नंबर से नहीं रुकता। और जब एक नंबर और दो नंबर से रुकता है ना, वो कष्ट कभी नहीं होता। एक होता है फेल हो जाओ, आपको पता हो कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, कट ऑफ गई है 100 क्वेश्चन पे, आप 20 क्वेश्चन भी सही नहीं किए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जानते हो आपकी औकात क्या है। लेकिन वो बच्चा जो 100 कट ऑफ जाती है और 99 क्वेश्चन सही करके आता है, उसे बहुत खलता है। और उनकी कैटेगरी यही होती है जो थोड़ा सा टाल देते, टालिए मत। आप खुद से नोट्स बनाइए, खुद से प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। आपको लगता है कि यहाँ पे दी हुई सीट से आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आपके पास जो बुक हो उससे प्रैक्टिस करिए, जो किताब है खरीद के प्रैक्टिस करिए, दोस्तों से मांग के प्रैक्टिस करिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ आएगी, वरना मैथ नहीं आएगी। अगर ये सोचे कि कोई टीचर आपको घोल के पिला देगा तो नहीं होगा। मैं अपना पूरा प्रयास कर सकता हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम अपनी पूरी एनर्जी लगा देता हूँ, 10 किताबें छान डालता हूँ, 10 कॉन्सेप्ट ढूंढ डालता हूँ, पूरी दिमाग लगा देता हूँ कि किस बेहतर से बेहतर तरीके से, कितने अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक कड़ी से जोड़ के दूसरे कड़ी को समझाया जाए, ताकि आप कभी ये भूलो मत। क्या बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट दिया जाए, ताकि आप कभी कम से कम सेकंड में आप बहुत अच्छे से लगा लो, कभी आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो, एग्जामिनेशन हॉल में गलत ना हो। तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने लिए ईमानदार बन जाओ, टीम के प्रति ईमानदार बन जाओ, टीम की मेहनत को सार्थक बनाओ। सार्थक तभी होगा जब इस टीम से जुड़े हर बंदे जिससे सिलेक्शन हो जाएगा। वो किसी भी परीक्षा में, किसी भी विभाग में अगर कहीं उसका सिलेक्शन हो जाता है तो यही टीम की सफलता होगी, और यही सोच लेके हम लोग उतरे हैं। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, हमारी क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।